भैया, अगर आप बिहार से हैं और छोटी फैमिली गाड़ी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए काफी खुशखबरी की बात है, क्योंकि आपके लिए छोटी फैमिली गाड़ियों का काफी अच्छा खासा स्टॉक अभी फिलहाल अरे राज में आ चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी तमाम ऐसी गाड़ी दिख रही होंगी जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे, जिसमें कि हम आज किस वीडियो पर आपको दिखाने वाले हैं ऑल्टो, वेलेनो, वेगनार जैसी तमाम सारी गाड़ियां, क्योंकि आपको एक छत के नीचे से इस बार हम आपको दिखाएंगे बहुत ऐसी छोटी फैमिली गाड़ी जिसको आप कम डाउन पेमेंट करके यहाँ से गाड़ियों की खरीदारी कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले हम आपको दिखा दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार गाड़ियों का स्टॉक काफी अच्छा खासा इस बार आपके लिए होने वाला है और एक एक करके हम सभी गाड़ियों का आपको डिटेल देंगे। बाकी यहाँ पे अभी लोन का भी फैसिलिटी आपको छोटी फैमिली गाड़ी पे भी चलाया जा रहा है, आप लोन करा के छोटी फैमिली भी गाड़ी यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। बाकी आज हमारे साथ वापस है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में भी। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम इस बार हमारे भाइयों को आप कौन कौन सी गाड़ी दिखाएंगे? देखिए अभी हम फैमिली कार लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, कार में बहुत सारे वेराइटीज और बहुत सारे वेरिएंट्स लेकर भी आए हैं। अच्छा अच्छा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मारुति बेलेनो की। अच्छा मारुति सुजुकी की बेलेनो है। अच्छा अच्छा, 2016 मॉडल है। ठीक है मैम, टॉप वेरियंट है, जेटा है और आपका सबसे पहले राजधानी का इसका रजिस्टर्ड नंबर है। अच्छा अच्छा, मतलब ये साफ तौर पर पहले आप गाड़ी के कंडीशन को चेकआउट कर लीजिए। गाड़ी भैया आपको मिल जाने वाली है राजधानी नंबर मतलब पटना नंबर की, आपको ये बेलेनो जेटा गाड़ी मिल जाने वाली है 2016 मॉडल और 2016 मॉडल की गाड़ी है, सीरीज अवेलेबल है गाड़ी में। अच्छा अच्छा, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसमें अगर बात किया जाए तो ये गाड़ी में पूरा ऑल एसेसरीज है। जी, और कीमत क्या डिमांड किया जा रहा है? 5.5 तक सर आपको दे देंगे। 5.5 लाख तक आप इस गाड़ी को दे दीजिएगा। मैम डाउन पेमेंट क्या लग जाएगा गाड़ी का? डाउन पेमेंट 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक डाउन पेमेंट करिएगा, बाकी का आपका फाइनेंस करवा देंगे। चलिए बाकी का पैसा आपका फाइनेंस हो जाएगा। भाई ये सब गाड़ियों का स्टॉक हम आपको आज वापस से जय माता दी ऑटोमोबाइल्स महिंद्रा फर्स्ट चॉइस अरेरा से दिखा रहे हैं। अच्छा मैम अगली गाड़ी की बात कर लेते हैं, कौन सी गाड़ी हो जाएगी? i20 है, i20 स्पोर्ट है। अच्छा अच्छा जी, और ये गाड़ी कितनी रनिंग की हुई गाड़ी है? जी गाड़ी ये मात्र 35,000 रनिंग की हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी ये भी है और ये भी आपका राजधानी का नंबर है। अच्छा ये भी राजधानी नंबर की गाड़ी है। अच्छा मैम इस गाड़ी की अगर कीमत की हम बात कर ले तो कीमत क्या इस गाड़ी का पे करना पड़ेगा? इस गाड़ी को हम फाइनली अगर बात किया जाए तो 5,40,000 में छोड़ देंगे सर। 5,40,000 में फाइनल रेट में इस गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। और इसके साथ हम आपको जो दुर्गा पूजा और दीपावली के जो ऑफर बताए हैं सर, इंश्योरेंस और ट्रांसफर फ्री देंगे। इंश्योरेंस और ट्रांसफर आप फ्री करा के दीजिएगा, मतलब जो रेट बता रहे हैं मैम उसी में ये सारा चीज इंक्लूड रहेगा, है ना? बस। अच्छा अगली गाड़ी की अगर मैं बात करें तो कौन सी गाड़ी हो जाएगी? 2017 मॉडल योन है, योन एरा प्लस है। अच्छा अच्छा, रजिस्टर्ड नंबर आपको तिरहुत कमिश्नर मुजफ्फरपुर का है। अच्छा 06 06 है। अच्छा अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ऑल एसेसरीज अवेलेबल है। और इस गाड़ी की अगर प्राइसिंग की बात किया जाए तो मात्र 2.5 लाख में सर छोड़ देंगे। 2.5 लाख रुपए में, मतलब आपकी शोरूम की सबसे सस्ती गाड़ी यहीं पे गाड़ी है। अच्छा लोन भी होगा क्या मैम? इसमें लोन भी करवा देंगे, मात्र 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दीजिए, बाकी के सारे फाइनेंस करवा देंगे। चलिए कोई लोग बोलते हैं कि मेरे पास 1 लाख भी नहीं, हम 80,000-90,000 तक करने के लिए सक्षम है। बाइक की कीमत पे हम कार दे देंगे सर। अच्छा बाइक की कीमत पे आप कार दे दीजिएगा। चलिए भाई अभी आजकल मार्केट में 2 से 2.5 लाख रुपए की बाइक आ रही है, लेकिन आपको 2 से 2.5 लाख रुपए लगा के आप चाहे तो इस गाड़ी की आप सभी खरीदारी भी कर सकते हैं। और अगली गाड़ी की अगर हम बात कर ले तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ से अगली गाड़ी कौन सी हमारी हो जाने वाली है। ये हुंडई की इमेज है और अच्छा, इसका भी रजिस्टर्ड नंबर आपको राजधानी पटना का ही है। अच्छा पटना का ही नंबर है, मतलब पटना से पूरा गाड़ी आप ला दिए इस बार, है ना भाइयों के लिए। अच्छा वैसे मैम इस गाड़ी की और रनिंग की बात कर ले, क्या रनिंग की है गाड़ी? रनिंग इसका ज्यादा नहीं है, ओनली आपको 38,000 किलोमीटर है ओनली। और कीमत क्या डिमांड कर रही है मैम? 4,20,000 में फाइनल दे देंगे। चलिए 4,20,000 में भाई आपको ये फाइनल रेट में ये हुंडा की इमेज आपको मिल जाने वाली है ना मैम? बिल्कुल। अच्छा डाउन पेमेंट की बात कर ले तो डाउन पेमेंट वही 1 से 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए मिनिमम पे करना पड़ेगा, उतना पे करेंगे तो गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा अगली गाड़ी की अगर हम बात कर ले तो जो भी भाई पहली बार गाड़ी की खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो अक्सर लोग इस गाड़ी का मूड बना के जाते हैं कि भाई हमें मारुति सुजुकी की अल्टो लेनी चाहिए। और अल्टो मार्केट में भाई आपको ज्यादा दिख नहीं रहे, लेकिन वन पीस आपको हम आज दिखा रहे हैं BR7 आपको दरभंगा जिला का रजिस्टर में गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी आपको बिल्कुल ही सर्टिफाइड मिल जाएगी। वैसे मैम इस गाड़ी की अगर हम बारे में बात कर ले कौन सी मॉडल की गाड़ी हो जाएगी? ये गाड़ी का मॉडल की बात किया जाए तो 2019 मॉडल गाड़ी है। अच्छा। फर्स्ट ओनर गाड़ी है और इसका रजिस्टर्ड नंबर की बात की जाए तो ये दरभंगा जिला का नंबर है। अच्छा फर्स्ट ओनर है। कीमत क्या डिमांड किया जाए? कीमत आप ही बताइए ना, आप ही गेस कीजिए इसकी कीमत क्या रखनी चाहिए, क्योंकि ऑल्टो को लोग बोलते हैं ना कि बाइक का खर्च में आता है ऑल्टो। कोई भी कस्टमर आते हैं तो कहते हैं सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी कौन सी है, तो ऑल्टो है। तो इस बार आप गेस कीजिए, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप जितना बोल दीजिएगा आपके व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को हम दे देंगे। 2019 मॉडल, 2019 बताइए। मुझे लगता है कि 2.5 लाख प्लस होना चाहिए।
2.5 लाख प्लस जी। चलिए आपने बोल दिया तो 2.5 लाख नहीं लेकिन 3 लाख तक हम छोड़ देंगे इस गाड़ी को आपके। 3 लाख में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, बिल्कुल 2019 मॉडल की गाड़ी हो जाएगी। और वैसे हमें भाई 2.5 लाख प्लस बताया है लेकिन मुझे लगता है 3 लाख से कुछ कम करना पड़ेगा मैम आपको। हाँ, अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई भी व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स आते हैं तो उनके लिए सर हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉमिस किया जाता है तो कभी कभी टूट जाता है। अच्छा, तो तोड़ेंगे नहीं हम, करके दिखाएंगे। बिल्कुल, एक बार आप विजिट कीजिए, हम अच्छे रेट में देंगे। अच्छा मैम, इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी है? अभी फैमिली गाड़ी में देखा जाए तो हम सबसे ज्यादा अगर फैमिली गाड़ी का किंग कहे जाने वाले क्रेटा को दिखाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए भाई आपको हम दिखा देते हैं कुछ ब्लैक गाड़ियां फैमिली में। हाँ, ये दोनों क्रेटा है, ये 17 मॉडल है जो पटना का रजिस्टर्ड नंबर है। अच्छा। और ये मुजफ्फरपुर का रजिस्टर्ड है, ये 19 मॉडल है और दोनों टॉप वेरिएंट है, SX ही है। अच्छा, भाई दोनों आपको टॉप वेरिएंट की क्रेटा हम आपको दिखा रहे हैं और कलर भी आप लोग देख लीजिए। और मुझे भी पर्सनली लोग कॉल करते हैं कि भाई शिवम भाई गाड़ी आप हमें दिखाइए ब्लैक, ब्लैक में कोई भी कलर हो कोई भी गाड़ी हो भाई चलेगा, और रेट भी हम नहीं ढूंढेंगे कितना रेट में मिल जाए। तो वैसे मैम डाउन पेमेंट क्या लग जाएगा दोनों गाड़ियों का? देखिए डाउन पेमेंट की बात किया जाए तो बहुत ही मिनिमम डाउन पेमेंट है, मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए। अच्छा। और ये स्कॉर्पियो जो सॉरी ये क्रेटा जो है बहुत ही मतलब धाकड़ कलर में है। हाँ। क्योंकि ब्लैक कलर को सब लोग ज्यादा चॉइस करते हैं और सब लोग आपके इसके पीछे चैनल में सब लोगों ने बोला था कि ब्लैक कलर की गाड़ियां दिखाया जाए। हाँ। तो इसलिए हम ब्लैक कलर का दो दो गाड़ी लेकर आए, वो भी क्रेटा सबसे टॉप वेरिएंट में है और दोनों में ज्यादा की दूरी नहीं है, एक हमारे पास 17 है और एक 19 है। 19 है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा रेट को लेके। हाँ, थोड़ी मोटी जितना पूजिए उतना हिसाब से भाई गाड़ी मिल जाएगी। बिल्कुल, की गाड़ी का सपना इस बार पूरा हो जाएगा। बिल्कुल पूरा होगा। चलिए भैया, इसके अलावा हम आपको दिखा दे तो यहाँ पे आपके लिए हुंडई की जीरो मॉडल है, और गाड़ी आपको मिलने वाली है। और इस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं तो भाई ये भी गाड़ी आपको काफी सारी फाइव गाड़ी मिलने वाली है। ये भी रजिस्टर्ड नंबर आप देखिए पटना का ही है, 16 मॉडल है, i20 स्पॉट है। अच्छा। और इस गाड़ी को भी हम मात्र आपके व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही कम रेट में, मतलब मानिए तो एकदम 5.5 तक इसको छोड़ देंगे। बिल्कुल 5.5 तक, इसमें इंश्योरेंस और प्लस ट्रांसफर इंक्लूडिंग। अच्छा चलिए भैया, तो देखिए फर्स्ट इंश्योरेंस ट्रांसफर के साथ 5.5 लाख में आपको गाड़ी मिलेगा और 1,50,000 का आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा, तो मैम आपको गाड़ी दे देंगी, है ना मैम? बिल्कुल दे। अच्छा, लोन का जो आपके यहाँ प्रक्रिया है ना, तो कितने टाइम में आप लोग कंप्लीट? देखिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स पिछले वीडियो में भी बताया था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो हम 1 दिन में भी गाड़ी दे देंगे। 1 दिन के अंदर? बिल्कुल। सब लोग बोलते हैं कि 7 दिन के अंदर देंगे। नहीं नहीं, 7 दिन नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर है, अगर डॉक्यूमेंट जिस मैंने जो बताया वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो सर 1 दिन बहुत हो गया। 1 दिन बहुत हो गया सर। चलिए भैया, एक और आपको गाड़ी दिखाते हैं यहाँ पे किया की, और ये गाड़ी आपको 01 पटना नंबर की गाड़ी नहीं है, और ये इस गाड़ी का कंडीशन आप लोग अच्छे से चेक आउट कर लीजिए। सोनेट ही है, किया की सोनेट है, 2021 मॉडल है। अच्छा। और ये सनरूफ वाली गाड़ी है। क्या बात है भाई, विद सनरूफ वाली गाड़ी। हाँ, विद सनरूफ है। और ट्रांसफर इंश्योरेंस वगैरह के साथ आपको ये गाड़ी कितना में मिल जाएगा मैम? ये गाड़ी को मात्र हम 10.25 लाख में दे देंगे, 10,25,000 में। 10,25,000 विद इंश्योरेंस और ट्रांसफर करवा के 10,25,000 में भैया आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। बिल्कुल। और देख लीजिए सनरूफ है, सनरूफ का भी आप आनंद ले सकते हैं इस गाड़ी में। बाकी सनरूफ वाली 1 पीस गाड़ी आज हम दिखाए आपको। और गाड़ी में आपको रजिस्टर्ड नंबर की बात की जाए तो पटना का रजिस्टर्ड नंबर है, प्लस ऑल एसेसरीज के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा मैम, एक चीज आप हमें बता दीजिए और कि डॉक्यूमेंट क्या लग जाएगा इस बार छोटी फैमिली गाड़ियों के? जी डॉक्यूमेंट्स के लिए बस पुरानी वाली सेम सिचुएशन है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, पासबुक और जमीन का पेपर। अगर किसी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका सैलरी स्लिप चाहिए, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनके लिए मुझे RTI, GST ये सारी चीज चाहिए होगी। बाकी वो अगर जिनका सिविल स्कोर सही है वो तो कम भी करते हैं तो डाउन पेमेंट हो जाएगा। हाँ, वो डाउन पेमेंट की कोई दिक्कत, अगर जिनका सिविल अच्छा हो, जिनका बैंक का स्टेटमेंट स्ट्रांग हो, उसके लिए हम 20-25% डाउन पेमेंट में भी गाड़ी छोड़ देंगे। अच्छा, जरा एक बार मैम हमें एड्रेस समझाइए, तो एड्रेस एक बार बताइए कि कैसे हमारे भाई आपके शोरूम तक पहुंचेंगे। और जरा इधर आ जाइए, और बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई गाड़ियों का भी बहुत सारा आपको स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इस सभी गाड़ी का डिटेल आपको रिपीट करके हमारे चैनल पे मिलता रहेगा वीडियो। मैम एक बार बताइए कि एड्रेस कैसे हमारे भाई यहाँ पे पहुंचे? देखिए एड्रेस की बात किया जाए तो अगर आप बेतिया से होके आ रहे हैं तो बेतिया से आपको बलहा से आगे बढ़ रहे हैं तो नियर पावर हाउस से आगे है। अच्छा, पावर हाउस से आगे है। जी बिल्कुल, ये राय टोला पावर हाउस के थोड़ा सा आगे, राय टोला ये गाँव है, राय टोला जय माता दी महिंद्रा फर्स्ट चॉइस।
ठीक है। अगर अरेरा से अगर आप आ रहे हैं सर, अगर आप अरेरा से आ रहे हो तो आपको राय चिमनी मिलेगी। राय चिमनी की आगे आप बढ़िएगा तो जय माता जी का बोर्ड लगा हुआ है और दाहिने साइड में हमारा बहुत बड़ा बिल्डिंग भी है और वही महिंद्रा फर्स्ट जय माता दी है सर। चलिए तो भैया आप इस लोकेशन पर पहुंचिए और यहाँ से आप अपने सपनों की गाड़ी काफी कम रेटों में खरीदारी कीजिए और लेके